हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे साथियों। देखिएगा, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? इतिहास की। इतिहास क्या है, क्या नहीं है, कैसे इतिहास को जानें, किस प्रकार से इतिहास को पढ़ा जाता है, किस प्रकार से इतिहास आपके सामने रूबरू होने आएगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। इतिहास क्या है, इतिहास कैसे अस्तित्व में आया, किस प्रकार से आया, ये सारी चीज़ें अपन को जाननी है। और ये जो क्लास है प्यारे साथियों, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी देख सकता है इसको। रेलवे वगैरह जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह, जहाँ भी इवन इंडियन हिस्ट्री आती है, वहाँ पर आप इस क्लास को यूज ले सकते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो भारत का इतिहास, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की। किसकी बात करने जा रहे हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? भारतीय इतिहास। क्या भारतीय इतिहास की बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों? इतिहास की बात कर, कौन सा इतिहास? भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में क्या देखेंगे? सबसे पहले जो हमने देखना है, सबसे पहले हम इस शब्द का जिक्र करेंगे। कौन से शब्द का जिक्र करेंगे प्यारे साथियों? इतिहास शब्द का जिक्र करेंगे। कौन से शब्द का? इतिहास शब्द का। इस शब्द का जिक्र करेंगे और इस शब्द के लिए प्यारे साथियों क्या क्या हमारे सामने आता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्या क्या हमारे सामने आता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ऊपर की से नहीं जाए, ऊपर नीचे नहीं जाता इसमें, क्यों ऐसा है क्या? चल रहा है जी, कर दो के? वो तो कर दूंगा मैं, पर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जाएगा? चलो भाई देखते हैं क्या कंडीशन है। इतिहास क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों? इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहें, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास शब्द कैसे बना, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। इतिहास क्या, इतिहास शब्द कैसे बना, क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। इसी के साथ हम बात करेंगे प्यारे साथियों क्या सिचुएशन है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इन चीजों का जवाब लेने के लिए जो बात करें प्यारे साथियों, तो हम इस शब्द की बात करने जा रहे हैं, इतिहास शब्द की। कौन से शब्द की? इतिहास शब्द की बात करने जा रहे हैं। इतिहास शब्द की बात करें, इतिहास जो शब्द है प्यारे साथियों, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तीन शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा, इति, सबसे पहले इति प्लस ह प्लस आश, इति प्लस ह प्लस आश शब्दों से मिलकर क्या बनता है प्यारे दोस्तों? इतिहास बनता है। और इनको तोड़ने के बाद तीन शब्द हमारे सामने आते हैं, इति प्लस ह प्लस आश। अर्थात इसका अर्थ लें तो सर्वप्रथम इसका अर्थ होता है किसी घटना का, किसी घटना का, किसी घटना का निश्चय ही घटित होना। क्या होता है? घटित होना। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका, इस शब्द का तीनों को मिलाकर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी घटना का घटित
होना या निश्चय ही घटित गुण होना चलेगा। सबसे पहले अब इसके अर्थ की बात करें तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या होता है, इस क्या होता है मेरे साथियों, देखिएगा यहां पर क्या क्या देखना है आपको। इसका अर्थ होता है अर्थात इति का अर्थ होता है, पहले इसकी बात करें हम इति की बात करें, और इति की बात करें क्या देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हम पे देख सकते हैं इति का अर्थ होता है, इसका अर्थ ले तो इसका अर्थ ले तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपके सामने, इसका अर्थ हो जाएगा इस प्रकार, क्या हो जाएगा इस प्रकार, क्या हो जाएगा इस प्रकार, और ह का हो जाएगा अर्थ, ह का अर्थ क्या हो जाएगा निश्चय ही, निश्चय ही या वास्तव में, क्या वास्तव में, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका हो जाएगा इस प्रकार, इसका हो जाएगा निश्चय ही या वास्तव में घटित होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा घटित, घटित होना, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अर्थात इस तीनों शब्दों को मिलाकर बोले तो तीनों शब्दों से जो अर्थ निकलकर बनकर आता है आपके सामने वो आता है किसी घटना का निश्चय ही घटित होना, इनको जोड़कर लिया जाता है प्यारे दोस्तों तो उसका अर्थ क्या होता है, या किसी घटना का निश्चय ही घटित होना या किसी घटना का वास्तव में घटित होना, ये इतिहास का अर्थ लिया जाता है। तो समझ में आ जाएगा प्यारे साथियों, इसी के साथ बात करें आगे तो ये तो हो जाती है, हम इतिहास की बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो इतिहास है तो क्या है, किस प्रकार से इतिहास है, तो इतिहास ये चीजें तो आपने देख ली, निश्चय वास्तव में किसी घटना का घटित होना जिसमें क्रमबद्धता हो, क्या प्यारे दोस्तों, जिसमें क्रमबद्धता हो। तो परिभाषा की बात कर ले एक शब्द में, क्या प्यारे दोस्तों, परिभाषा किसकी बात करें तो परिभाषा देख लेते हैं, इतिहास की परिभाषा देखें, किसी घटना का वास्तव में या निश्चय, निश्चय ही घटित, घटित होना, जिसके, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो, क्या हो प्यारे दोस्तों, उपलब्ध हो, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, ऐसी चीजों को कहेंगे हम इतिहास कह सकते हैं, ऐसी चीजों को हम क्या कह सकते हैं भाई, इतिहास कह सकते हैं, क्या कह देंगे भाई, ऐसी चीजों को हम इतिहास कह देंगे, चलिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस तो इतिहास की परिभाषा देखें तो क्या समझ में आया प्यारे साथियों, यहां पर परिभाषा किसी घटना का वास्तव में या निश्चय घटित होना जिसके हमारे पास क्या हो, साक्ष्य मौजूद हो, क्या हो प्यारे साथियों, साक्ष्य मौजूद हो, और साक्ष्य के साथ साथ अगर कोई साक्ष्य भी नहीं है, पाषाण है, किसी ना किसी प्रकार से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती हो तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। ये चीज समझ में आ गई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इतिहास को पढ़ने के लिए और समझने के लिए क्या किया जाए प्यारे साथियों, तो इतिहास की हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, इतिहास की, किसकी बात करने जा रहे हैं, इतिहास की बात करने जा रहे हैं, और इस इतिहास को हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, इस इतिहास को हम अलग अलग भागों में विभाजित करके देखते हैं, कितने भागों में विभाजित करके देखते हैं प्यारे साथियों, ये देखते हैं कौन कौन से भाग हैं, सबसे पहले ये ध्यान देंगे। चलिए इतिहास, इतिहास को मुख्य रूप से पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कितने पार्ट्स में, तीन भागों में बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है भाई, तीन भागों में बांटा जा सकता है, वो भाग कौन कौन से होंगे, सर्वप्रथम बात करें तो प्रागेतिहास, क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, प्रागेतिहासिक काल, क्या कहेंगे, प्रागेतिहासिक काल, क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, प्रागेतिहासिक काल, क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। दूसरी बात करें, दूसरा कहेंगे मध्य
आध्य ऐतिहासिक काल, क्या कहेंगे? आध्य 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 ऐतिहासिक आध्य ऐतिहासिक काल, क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? आध्य ऐतिहासिक काल। और तीसरी बात करें प्यारे साथियों, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। और यहां पर कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? इतिहास तीन भागों में, कितने पार्ट्स में? तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन? इतिहास आपके तीन भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में प्यारे साथियों? तीन भागों में। अब बात करें, आपके सामने समस्या ये आती है कि तीन भागों में तो हमने बांट दिया है इसको, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या क्या है मेरे साथियों? चलिएगा, अब बात करने जा रहे हैं किसकी? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो कहलाएगा प्यारे दोस्तों, सुनिएगा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, ऐसा समय जिसके बारे में हमारे पास लिखित लिखित जानकारी नहीं है, अर्थात जिसका इतिहास न तो लिखा गया हो ना पढ़ा गया हो, ऐसे इतिहास को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा इतिहास तो क्या कहेंगे? ऐसा काल, ऐसा काल, ऐसा काल जिसके जिसके साक्ष्य, ऐसा काल जिसके साक्ष्य, जिसका इतिहास, पहले ये लिखें, इतिहास जिसके जिसका जिसका इतिहास करे हुए, जिसका इतिहास न तो लिखा गया है नहीं पढ़ा गया है। ठीक है मेरे साथियों, ऐसा इतिहास जिसके साक्ष्य हमारे पास है ही नहीं, अर्थात जिसका इतिहास न तो लिखा गया है ना पढ़ा गया है, ऐसे इतिहास को क्या कहेंगे हम? प्रागैतिहासिक काल। समझ में आया? इसके पश्चात बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल प्यारे साथियों, अब सुनिएगा, किसे कहे आद्य ऐतिहासिक काल? आद्य ऐतिहासिक काल वो काल जिसके बारे में क्या कहें, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके ऐसा ऐसा ऐतिहासिक काल ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जिसे लेकिन लेकिन जिसे पढ़ नहीं सके, क्या पढ़ नहीं सके, ऐसा इतिहास जिसके बारे में जानकारी तो हमें मिलती है लेकिन जिसको पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? ऐसे काल को हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐसा इतिहास जिसके हमारे पास साक्ष्य भी है, क्या है? साक्ष्य भी है, जिसे लिखा भी गया है, लिखा भी गया है, जिसे पढ़ा भी गया है, क्या जिसे पढ़ा भी गया है, ऐसे इतिहास को हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? तो ऐतिहासिक काल कहेंगे। जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं, लिखा भी गया है, जिसको पढ़ा भी जा चुका है, ऐसे इतिहास को हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? ऐतिहासिक काल। ऐसे आद्य ऐतिहासिक काल के बीच में आती है आपकी सभ्यताएं। क्या आती है प्यारे दोस्तों? सभ्यताएं। क्या आती है? सभ्यताएं। और सभ्यता में कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके पश्चात आती है ऋग्वेदिक काल, और अर्थात कहा जाता है जो सभ्यताएं प्यारे दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसके पश्चात बात करें, चलिएगा,
अब बात करने जा रहे हैं किसकी? प्यारे दोस्तों आज देखिएगा किसकी बात करने जा रहे हैं, यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी प्यारे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चाएं करें तो देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर जो जानकारी हमें मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है वो देखिएगा। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर किस प्रकार से अस्तित्व में आती है, ये सारी जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको देख रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई? देखिएगा यहां पर, देखिएगा प्यारे साथियों अब बात करने जा रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, किस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये सारी चीजें हमें देखते हैं। सर्वप्रथम बात करें, क्या बात करें प्यारे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले किस प्रकार से अस्तित्व में आती है, किस प्रकार से अस्तित्व में आने के पश्चात देखिए क्या क्या घटनाएं जानकारी मिलती है हमें जो जानकारी मिलती है किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। उद्भव की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता देखिएगा, सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ किस प्रकार से किस तरीके से, अर्थात ये जो सभ्यता है हमारे पूरे भारत में, जो भारत है प्यारे दोस्तों सबसे पहले हमारा प्यारा भारत, क्या हमारा भारत, इसका मैप आपने सभी ने देखा हुआ है। ठीक है, इसका इस तरीके से मैप बना दिया जाए तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आपका ये आपका सामने क्या उभर कर आता है, आपका भारत उभर कर आता है। और इस भारत में किस तरीके से आपकी सभ्यताएं विकसित है अब आप जानते हैं। ये तो अपना प्यारा सा भारत है, लेकिन आपको पता है ये हमारा पाकिस्तान भी इसके साथ ही है, और इसके बाद यहाँ पर है अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। अब आपको पता है प्यारे साथियों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होने के पश्चात एक नहीं दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। कितने राष्ट्रों में विभाजित हो गया था? दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। और उससे पहले यहां के बारे में काफी सारी जानकारियां प्राप्त हो चुकी थी, अर्थात हम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारियां इससे पहले प्राप्त कर चुके थे। किससे पहले? इस समय से पहले, जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले हम जानकारियां ले चुके थे। अब देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये तो आपका भारत हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? आपका पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। और ये आपका हो जाएगा प्यारा सा भारत। अब इन क्षेत्रों में कहा जाता है कि सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हुई तो आपको पता है कि यहां से एक नदी निकल कर जाती है, जो नदी कहां पर निकल कर जाती है? इस तरीके से बहकर पाकिस्तान में होती हुई कहां? अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है तो ऐसी नदी को किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों? सिंधु नदी के नाम। किसके नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। और सिंधु नदी जहां से निकलकर कहां पर, भारत से निकलकर कहां निकलकर जा रही थी भाई? पाकिस्तान में जा रही थी। इस कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात इस सभ्यता के लोग कहां पर बसते थे? यहां पर इस सिंधु नदी के आसपास बसते थे। इस कारण इससे क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। समझ में आया? चलिएगा सर्वप्रथम हम बात करते हैं किसकी बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि इस सभ्यता को किस तरीके से, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से देखा जाए। तो यहां पर देखा जाए प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम देखिएगा यहां पर ये देख रहे हैं आपकी ये सिंध नदी। कौन सी नदी है? ये सिंध। और इसकी सहायक सतलज। सतलज के पास ही ये हड़प्पा, और इसी क्षेत्र में ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता उपलब्ध थी। कौन से क्षेत्र में भाई? कौन से क्षेत्र में? यहां पर देखिएगा,
क्या कंडीशन है, किस प्रकार से ये आपकी कौन सी नदी निकल रही है। यहां से देखिएगा, सर्वप्रथम हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहां से जो नदी निकल रही है, ये जो देख रहे हैं आप, यहां से सिंध नदी निकल रही है। ये कंडीशन देखिए, ये सिंधु नदी और ये इधर सतलज नदी हो जाएगी, इधर चेनाब नदी हो जाएगी, इधर झेलम नदी हो जाएगी, इधर ठीक है। और इस तरीके से ये यहां पर इस सभ्यता का विकास होता है। कहां पर होता है भाई, यहां पर इस सभ्यता का विकास होता है। और यहां पर ये जो हड़प्पा स्थल देख रहे हैं आप, यहां पर इस सारे स्थल कौन से इसी क्षेत्र में किस सभ्यता का विकास होता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कौन सी नदी के, इस रावी नदी के बाएं तट पर होता है, किससे। लेकिन इस नदी के आसपास ये मोहनजोदड़ो भी किसका स्थल है, मोहनजोदड़ो है, इसके पश्चात आमरी है, बालाकोट, कांगेडोर, इसकी बात करें यार दोस्तों, शुद्ध कांगेडोर, और शुद्ध कांगेडोर है ये इसका सबसे पूर्वी स्थल, सॉरी पश्चिमी स्थल माना जाता है। कौन सा स्थल माना जाता है भाई, सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। कौन सा ये पश्चिमी स्थल माना जाता है, कौन सा पश्चिमी स्थल, इसका पश्चिमी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर, जो कहा जाता है। ये कहां पड़ता है भाई, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है ये, बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है भाई, बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है भाई, पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई, पाकिस्तान में। कहां, पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में ये सुत कांगेडोर इसका पश्चिमी बिंदु माना जाता है। और इधर बात करें, भारत की बात करें, तो आपको पता है प्यारे दोस्तों, तो इसका सबसे जो पूर्वी जो भाग माना जाता है वो किसको माना जाता है, सबसे पूर्वी जो भाग माना जाता है दैमामात को माना जाता है, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ये पूरा मैप है आपका, इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारा क्षेत्र किसका है, पूरा का पूरा किसका क्षेत्र माना जाता है मेरे दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें अपने यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र भी आता है, गुजरात का क्षेत्र भी आता है, गुजरात के साथ यूपी तक भी विस्तृत है, उधर चंबल नदी के बाद वहाँ तक यूपी तक भी ये क्षेत्र विस्तृत है, और यूपी के बाद भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये पूरा के पूरे क्षेत्र में विस्तृत मानी जाती है। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मैप है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सा मैप है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो मैप देख रहे, पूरा का पूरा डायग्राम, ये कोड दीजिए, चंगदड़ो, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, माह, ये साहब ये नदी है, ये चंबल नदी है, ये यमुना, गंगा, मिताथल, राखीगढ़ी, ये बनावली, ये कालीबंगन जिसकी बात कर रहे हैं हम, काली चूड़ियाँ जहाँ से मिली हनुमानगढ़ जिले में, ये उसकी बात कर रहे हैं राजस्थान में, मांडा कहाँ पर पड़ता है, ये अखनूर पश्चिम बंगाल, सॉरी अखनूर कहाँ पर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है प्यारे दोस्तों। इसका पूर्वी स्थल माना जाता है, जबकि इसका कौन सा स्थल माना जाता है, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो इसका पूर्व सबसे उत्तरी स्थल मांडा को माना जाता है। ये क्या है, सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है, किसको, मांडा को। मांडा कहां पर पड़ता है, ये अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, अखनूर जम्मू कश्मीर में ये स्थल पड़ता है। तो समझ में आया, यहां तक की जानकारी शायद समझ में आई होगी। इसके पश्चात बात करें मेरे दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, ये सिंधु घाटी सभ्यता इसका पश्चिमी स्थल माना जाए, पश्चिमी स्थल कौन सा, सुत कांगेड़ा, जो कहां पर, बलूचिस्तान में। अब सबसे पहले जहां पर देखा जाए, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ध्यान दें, इसकी बात करें किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है प्यारे साथियों, ये जो कहां कहां विस्तृत है, ये सभ्यता है, ये जो सभ्यता है, ये कौन कौन से जिले में, अर्थात कौन कौन से देश में, सबसे पहले यहां पर कौन कौन से, अपना भारत, कहां तक है, भारत। उसके बाद दूसरी बात करें, पाकिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। और तीसरा जो आता है प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान, ये तीन देशों में विस्तृत है। कितने देशों में? तीन देशों में विस्तृत है। कौन कितने देशों में विस्तृत है भाई? तीन देशों में विस्तृत है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता तीन देशों में विस्तृत मानी जाती है और तीनों देशों में अलग अलग स्थान से मानी जाती है। देखिए सर्वप्रथम बात करें हम यहां पर तीन देशों के साथ बात करें, तीन देशों में कौन सी सभ्यता विकसित है आपकी? यहां पर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता तीन देशों में विस्तृत है। सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां पर है भाई? सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक अधिक जो विस्तार है प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? आपके भारत में। कहां पर है? भारत में। कहां पर है? सबसे अधिक विस्तार भारत में है। और न्यूनतम विस्तार कहां पर है? कम, सबसे सबसे कम विस्तार कहां पर इसका? सबसे कम विस्तार जो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, सबसे कम विस्तार अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में है। कहां पर है भाई? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में सबसे कम विस्तार देखने को मिलता है। कौन सी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये ध्यान हो जाएगा आपको। इसी के साथ आगे बढ़े तो ये सबसे कम सबसे ज्यादा विस्तार की हम बात करें तो ये कहां कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें सर्वाधिक जो विस्तार देखने को मिलता है भारत में। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ प्यारे साथी, भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होते ही कहा जाता है कि यहाँ पर एक भी स्थल नहीं बचा और सारे के सारे स्थल कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। इसके बाद कहा जाता है भारत में इसकी खोजें की गई और खोज करने के पश्चात ये अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग क्षेत्रों में इसकी खोज करने के पश्चात अभी बहुत ज़्यादा ये विस्तृत हो चुकी है। तो अब बात करने जा रहे हैं भारत में कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें साथियों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको किस किस नामों से जाना जाता है? सबसे पहले बात, इसे हड़प्पा सभ्यता भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? हड़प्पा। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरी बात करें इसको क्या कहा जाता है, इसके ये क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे भाई, देख लेना। उपनाम, उपनाम की बात कर रहे हैं हम, की बात कर रहे हैं उपनाम की। हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, उसकी के बाद इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ताम्र कांस्य युगीन, क्या कहते हैं? कांस्य युगीन, क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। क्या क्या सारे नाम किसके देखने को मिलते हैं हमें? सारे नाम हमें इस प्रकार से हमें देखने को मिलते। अब बात करें ये सारे नाम किसके मिलते हैं हमें? हमें जो देखने को मिलते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के मिलते हैं भाई। क्या क्या? हड़प्पा सभ्यता कह दे, सिंधु घाटी सभ्यता कह दे, सिंधु सभ्यता कह दे, या इसी को कांस्य युगीन सभ्यता कह दे। और देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये तो इसके उपनाम हो जाएगी। इसकी समय की बात करते के समय की बात करते कब ये विकसित अवस्था में रही थी, कब ये विकसित अवस्था में रही थी, तो इसका जो समय देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, वो हमें देखने को मिलता है 1750 से। कब? 1750 ईस्वी पूर्व से। क्या प्यारे दोस्तों? 1750 देखिएगा, 1750 ईसा पूर्व से लेकर 2350। कब? 2350 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व तक इसका समय देखने को मिलता है। और ये किस आधार पर प्यारे दोस्तों? ये कार्बन, किसके आधार पर? कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। किसकी? कार्बन डेटिंग, डेटिंग, डेटिंग पद्धति पर। किस पर निकाला गया? ये पद्धति पर। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर ये समय निकाला गया है। किसका? यही सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण, या बात करें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसके समय के बारे में, तो ये भी हमें जानकारी यहां से मिल जाएगी। चलिएगा और बात करें,
और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमें इसके लिपि की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, उसके बाद इसकी सबसे पहले जो बात करने जा रहा है, और देखिएगा इसकी लिपि की बात करते हैं। किसकी? इसकी लिपि की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिपि की। यहाँ की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो लिपि कैसी रही होगी भाई, मुख्य रूप से खोज की बात करेंगे, लेकिन खोज की अभी बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां पर लिपि की बात करें। सबसे पहले लिपि क्या है? लिपि की जानकारी हमें मिलती है, और लिपि देखिएगा सबसे पहले जो जानकारी है प्यारे दोस्तों, लिपि यहां पर देखी गई, और लिपि किस प्रकार से थी, यहां की जो लिपि थी वो कैसी थी। हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है बताओ। देखिएगा यहां की लिपि, यहाँ की लिपि जो लिखी जाती थी इस प्रकार से लिखी जाती थी। इस प्रकार से जो चित्र देख रहे हैं प्यारे साथियों, आप इस चित्र के आधार पर इस तरीके से लिखी जाती है, अर्थात ये जो लिपि थी ये लिखी जाती थी कौन सी तरीके से, दाएं से बाएं। कौन सी? दाएं से बाएं। क्या लिखी जाती है प्यारे दोस्तों? दाएं से बाएं, और इधर बाएं से दाएं। इधर की बात करें तो बाएं से दाएं, ठीक है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये लिपि लिखी जाती थी। और एक और देख रहे हो, इस चित्र को देखने के बाद एक फीलिंग आ गई होगी आपके अंदर कि इसको देखकर आपको पता नहीं लगता कि इसमें ऐसी आकृति में कौन गति करता है, कौन चलता है। तो इससे पता लगेगा आपको, ये सर्पिलाकार, क्या कहें इसको, सर्पिलाकार लिपि भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्पिलाकार। क्या कहेंगे भाई? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार लिपि, अर्थात सांप जिस प्रकार से चलता है, इस कारण इसको क्या कहेंगे हम? सर्पिलाकार लिपि भी कहेंगे। इसी के बाद आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में जो रहे हैं वो जानते भी हैं कि जब गौमूत्र विसर्जन करती, गाय मूत्र विसर्जन करती और चलती जाती है, तो आपको पता है कि इस तरीके से बनता हुआ चला जाता है। जो मूत्र विसर्जन के दौरान जब वो होता है तो इस तरीके की लाइन्स बनती चली जाती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? गोमूत्री लिपि। क्या कहते हैं? गोमूत्री लिपि। कैसी लिपि भाई? गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? गोमूत्री लिपि भी कहेंगे। इसका और अच्छे से नाम भाई थोड़ा सा उपटांग लग सकता है आपको, लेकिन इसका सही नाम दें तो इसको क्या कहेंगे भाई? गोमूत्री लिपि के साथ साथ इसको कहेंगे ब्रुष्टोपेदन, ब्रुष्टोपेदन लिपि। इसी को कहेंगे ब्रुष्टोपेदस लिपि। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे ब्रुष्टोपेदम लिपि। ये तीनों नाम भी इसके देखने को मिलते हैं, अर्थात इसी को सुधरा हुआ नाम दे दिया, ब्रुष्टोपेदम के दिया, ब्रुष्टोपेदस के दिया, ब्रुष्टोपेदम लिपि के दिया। अब बात करें इसके मूल जो अक्षर माने जाते हैं, कितने मूल अक्षर? एक बात और, जो मूल अक्षर थे वो 64 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 64 कितने माने जाते हैं, जबकि इसके चित्राक्षर माने जाते हैं। क्या? चित्राक्षर। क्या माने जाते हैं प्यारे दोस्तों? चित्राक्षर। चित्राक्षर जो माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं? 250 से 400 तक। कितने माने जाते हैं भाई? 250 से लगाकर 400 तक। अब ये जो कंडीशन है इसकी, इसमें कहा जाता है एक भाव को व्यक्त चित्रों के माध्यम से किया जाता है। अपने जो इंसान है उनको भाव को व्यक्त किसके माध्यम से किया जाता था? चित्रों के माध्यम से किया जाता है, और चित्रों के माध्यम से करने के कारण इसको क्या कहते हैं? एक और नाम, भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहते हैं इसको? भाव चित्रात्मक चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, अर्थात मनुष्य के व्यक्ति के भाव को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता था,
चित्रों के माध्यम से किया जाता था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है भाई, भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इस लिपि को पढ़ने का प्रयास, किसकी बात कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास, इसको पढ़ने का जो प्रयास किया गया, क्या किया गया प्यारे साथियों, इस लिपि को पढ़ने का जो प्रयास किया गया सर्वप्रथम वेडेन महोदय के द्वारा, किसके द्वारा, वेडेन महोदय के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, महोदय के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, वेडेन महोदय के द्वारा इसको पढ़ने का प्रयास किया गया। इसके बाद अगर भारतीय की बात करें, भारतीय की बात करें, भारतीय की बात करें प्यारे साथियों, तो भारतीय ने सर्वप्रथम, भारतीय की बात करें यहाँ पर, भारतीय के द्वारा जो किया गया वो नटवर, किसके द्वारा, नटवर झा, किसके द्वारा, नटवर झा द्वारा इसका प्रयास किया गया। लेकिन प्यारे साथियों परिणाम ये निकला कि ये दोनों व्यक्ति इसको पढ़ने में क्या, इसको पढ़ने में क्या रहे, असफल रहे, क्या रहे, असफल रहे, किसको पढ़ने में भाई, इस लिपि को पढ़ने में असफल रहते हैं। कौन सी लिपि को, ये सिंधु घाटी लिपि है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में असफल रहते हैं। असफल रहने के साथ साथ प्यारे दोस्तों अर्थात इन्हें क्या नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, इन्हें क्या नहीं मिलती प्यारे दोस्तों, इन्हें सफलता नहीं मिलती, ठीक है प्यारे साथियों, चलिएगा छोड़िएगा। अब कंडीशन क्या हो जाती, कैसी लिपियां थी यहां पर, यहां की लिपियों की बात करें तो यहां की लिपियों के देखें तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम देखें कि यहां पर लिपियां किस प्रकार की थी प्यारे दोस्तों, ये देखते हैं, और लिपि किस प्रकार की है देखें, यहां पर जो लिपि देख रहे हैं इस प्रकार से, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, दो मिनट, दो मिनट, चलिए भाई देखते हैं, साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन क्या करें, ये जो लिपियां हैं सैंधव लिपि है प्यारे दोस्त, ये लगभग जैसा भी दिख रहा है आपको वैसा अच्छा दिख रहा है, वैसे देखिएगा प्यारे साथियों, हमारे साथी को तो अच्छा दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा वो आपकी मर्जी, देखो मैं भी दिखाता हूँ, इस तरीके के चित्र मिले हैं। अब इनका कोई पता नहीं चल रहा, कोई उल्टा घूम रहा है, कोई सुलटा घूम रहा है, कोई किस प्रकार से घूम रहा है, किस तरीके के उभरे हुए है वे अक्षर है, ये किस तरीके से ये एक की तरह बना है, ये उल्टे यू की तरह बना है, ये पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, ऐसी लिपि है ये, किसकी, ये सैंधव लिपि है प्यारे दोस्त, क्या है ये सैंधव लिपि है, क्या है ये सैंधव लिपि है, इसको पढ़ना, पढ़ने में सफलता इसको पढ़ नहीं सकी प्यारे दोस्त, क्या को पढ़ने में सफलता नहीं मिली, अभी तक को पढ़ नहीं पाए, नहीं मिली पैर दोस्त, ठीक है, तो पढ़ने में सफलता नहीं मिली, अर्थात तो इस तरीके के जो चित्र है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके बावजूद कहा जाता है, एक फोटो और दिखा देता हूं मैं आपको, इसके बाद देखिएगा क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, यहां पर देखिएगा एक ये थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा है इस पे, और इस पर स्पष्ट दिख रहा है तो देखिएगा प्यारे साथियों, ये तरीके के ये लिपि है, ये जो देख रहे हैं आप इस तरीके की लिपि है, ये उल्टे सुलटे अक्षर बने हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या बना हुआ है, कौन क्या नहीं बना हुआ, इस तरीके से इनको क्या चित्र निकाले, अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक जो उल्टे यू की तरह की आकृतियां मिली है, इसमें यू की आकृति कम बनी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं किसके, उल्टे यू के, किसके मिले भी, सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं उल्टे यू के मिले हैं, इसके इस प्रकार के चित्र सबसे ज्यादा मिले हैं इस लिपि में, इस प्रकार के जो चित्र है वो सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, कौन सी लिपि की बात कर रहे हैं हम, सैंधव लिपि की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के पश्चात हम बात करने जा रहे हैं, ये तो हो गई इसकी लिपि की बात, अब बात करें कि खोज की बात करें,
इसकी बात करें, इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की किसने? चलिए, खोज कहा जाता है प्यारे दोस्त, सर्वप्रथम यहां पर जो देखना मिलता है कि यहां पर सबसे पहले इस स्थल की जो जानकारी देने का कार्य करते हैं तो कौन देता है प्यारे दोस्तों? यहां पर एक लाइन बिछाई जा रही थी, इस स्थल पर कराची से लाहौर तक लाइन बिछाई जा रही थी, इस लाइन में कहा जाता है। अब आपको पता है, क्या पता है भाई? ये लाइन बिछाई जा रही है, ये ट्रेन की लाइन बिछाई जा रही है, इस ट्रेन की लाइन में सपोर्ट देने के लिए क्या जरूरत होती है? कुछ पत्थर वगैरह की जरूरत पड़ती है, और इस पत्थर में कहा जाता है इस समय क्या हो जाता है कि इस समय इनके सपोर्ट खत्म हो जाते हैं, वो पत्थर खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर इसका काम देख रहे थे जॉन बर्टन और एक और व्यक्ति विलियम बर्टन। कौन देख रहे थे भाई? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों बर्टन बंधु कहलाते, दोनों भाई थे ये दोनों इस ट्रैक बिछाने का काम देख रहे थे। अब जब ट्रैक बिछाने का काम देख रहे थे तो इसी के दौरान इनके सपोर्ट खत्म हो जाते हैं, उसी दौरान ये आपस में एक टीला देखते, क्या देखते हैं? ये पास में एक टीला देखते हैं, और ये टीला देखते हैं तो इस टीले के यहां पर इन मजदूरों को क्या देते, आदेश देते हैं और जाओ कि इस टीले पर खुदाई करो, कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर सपोर्ट के लिए क्या चाहिए थी? ईंटें वगैरह कुछ ऐसा मिल जाए। कहा जाता है यहाँ पर लोग आए, कौन आए? व्यक्ति आए, व्यक्तियों ने आकर यहाँ पर खुदाई करना प्रारंभ की, यहाँ पर खुदाई करना प्रारंभ की, एक स्तर दो स्तर इससे खुदाई की। खोदने के पश्चात यहाँ से क्या प्राप्त होती? ईंटें प्राप्त होती। क्या प्राप्त होती यहाँ से? ईंटें प्राप्त होती है, और इन ईंटों से ये पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति निवास करता होगा। क्या पता चला? यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति निवास करता होगा, अर्थात इस लिपि से हमें यहां से जो जानकारी मिली, ईंटें प्राप्त हुई, और ईंटें प्राप्त होने के पश्चात यहां से धीरे धीरे खुदाई ज्यादा की गई, और ज्यादा करने के पश्चात यहां से किसकी जानकारी मिली हमें? यहां से बस्ती की जानकारी मिली। किसकी? बस्ती की, या व्यक्तियों के निवास की जानकारी मिली। किसकी जानकारी मिली भाई? व्यक्ति के निवास की जानकारी मिली, और कहा जाता है कि हमें इस चीज में, इस स्थान पर कहा जाता है। अब क्या, एक व्यक्ति आते हैं, कौन? दयाराम साहनी। दया राम साहनी, कौन आते हैं भाई? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी 1921 में इसकी पुख्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे तो सर्वप्रथम कहा जाता है इन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन इससे पहले भी जॉन बर्टन, जॉन विलियम के द्वारा इसकी जानकारी दे दी गई थी। इससे पहले भी एक लेख प्रकाशित करते हैं 1926 में। कब? 1926 में तो ये जानकारी देते हैं, लेकिन 1942 में एक लेख प्रकाशित करते हैं, उस लेख में, इसमें प्यारे दोस्तों, इस लेख में इसकी जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देती है? कि इस स्थल पर कोई ना कोई स्थल है। क्या है? कोई ना कोई स्थल है। तो इस कारण जो प्रथम स्थल खोजा गया उस स्थल को क्या कहा गया? हड़प्पा। क्या कहा गया? हड़प्पा कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा कहा गया। और हड़प्पा के नाम पर, पहले स्थल के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इस स्थल को, क्योंकि यहां पर जो पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा था। इस कारण से क्या कहते हैं भाई? हड़प्पा स्थल भी कहते हैं। समझ में आया? चलेगा, इसी के साथ बात करें तो कहा जाता है कि हड़प्पा स्थल की खोज हो जाती है किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। इसका उत्खनन 2 बार करवाया जाता है। किसकी बात करें? उत्खनन। किसकी? उत्खनन की बात करें, उत्खनन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसका जो उत्खनन करवाया गया, कहा जाता है इसका उत्खनन 2 बार करवाया जाता है, और 2 बार उत्खनन करवाने के बावजूद यहाँ पर एक 1920 में करवा दिया, 1926 में करवा दिया जाता है, 1961 में भी इसका उत्खनन करवाया जाता है, 2 बार इसका उत्खनन करवाया जाता है। तो कर दो बंद बाकी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बाकी का
उत्खनन, उत्खनन के बारे में हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतने ही काफ़ी प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। बने रहिए डीजे सर क्लासेज के लिए के साथ। हम आपकी क्या क्या सेवाएं कर सकते हैं वो आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे श्रोता, नमस्कार।